मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया, बट मार्केट में वैल्यू नहीं है, मार्केट में माल ही नहीं है सर। आप एक काम करो, आप अपनी तसल्ली कर लो और फिर मुझे बता देना, ठीक है? कुछ बात बनी? नहीं, लॉसेस पे लॉसेस, सब ठीक होगा। एनीवे, आज मुझे ऑफिस से लौटने में देर हो जाएगी। क्यों? ऑफिस में पार्टी है और सबका आना जरूरी है। तभी ये पार्टी वाले कपड़े पहने हैं। ये पार्टी वाले कपड़े लग रहे हैं तुम्हें? और क्या? बाय। नहीं, बट सीरियसली, थोड़े डिसेंट कपड़े नहीं पहन सकती? अभी ना क्या खराब है इन कपड़ों में? तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ, पूरे दिन अनकंफर्टेबल रहोगी और बाहर लोग देखे तुमने। I think I can take care of myself. Bye. मम्मी, आज ना मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, तो आप डिनर करके दवा खाके सो जाना। अच्छा, ठीक है। ठीक है, बाय। अरे मेरी बात सुन ली होती ना तो वो लड़का क्या, किसी लड़के की हिम्मत नहीं होती तुमसे मिसबिहेव करने की। तो मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? मेरे इतनी बार बोलने के बावजूद भी ये कपड़े पहन के जाने की क्या जरूरत थी? लड़कों से इतना फ्री क्यों होना है? ये फ्री होने की बात कहां से आ गई? जैसे ही ध्रुव ने मेरे वेस्ट पे हाथ रखा, मैंने तुरंत उसे डांट दिया। तुमसे बात करना ना पत्थर में सर मारने के बराबर है। या राइट, सारी गलती मेरी ही है, सिर्फ मुझे को ब्लेम दो। क्या बात है, इतना ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं मम्मी जी। कुछ नहीं मम्मी, इनको लेने चले गया था गलती से, सोचा अच्छा लगेगा, बट वहां तो अलग ही। अलग ही क्या मतलब? बदतमीजी की है किसी ने इसके साथ। मेरे हजार बार बोलने के बावजूद भी ये रिवीलिंग कपड़े पहन के। रिवीलिंग कपड़े? एक मिनट तृप्ति, बोलने तो इसे। हाँ बोल। अरे लड़के लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं मुझे समझ में आता है, उनसे थोड़ी बात ज्यादा कर लो, उनको लगता है कि लड़कियां उनमें इंटरेस्टेड हैं। या राइट, तुम्हें सब मालूम है। अरे मैं बैठता हूँ लोगों के साथ। इससे अच्छा तो इनकी पिछली नौकरी थी, बट नहीं, अब वर्क फ्रॉम होम करना ही नहीं है मैडम को। अब आपको भी कुछ कहना है? अब कहना नहीं, बस करना है। पहचाना इसे? नहीं, कौन है? नहीं पहचाना ना। चलो बेटा, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। जब कोई तुम्हें पहचानेगा ही नहीं तो तुमसे बात क्या करेगा, है ना? एक मिनट। ना बोलेगी, ना किसी को लगेगा कि ये उसमें इंटरेस्टेड है। क्यों, अच्छा नहीं लगा ना? बेटा, किसी भी लड़की के पहनावे से या उसके बोलने से अगर लड़कों को गलत सिग्नल मिलते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर वो इस तरह से ड्रेसअप होगी तो देल बी नो रेप एंड नो मॉलेस्टेशन? मैं तो उसकी भलाई के लिए बोल रहा था। अगर तू इसकी भलाई ही चाह रहा था ना, तो तुझे इसका साथ देना चाहिए था, और एक पति होने के नाते तुझे इससे बात करनी चाहिए थी और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए थी कि ये कहना क्या चाहती है। पर तू तो सिर्फ इसे ब्लेम ही करता फिरता रहा। देख बेटा, तृप्ति बच्ची नहीं है और तुझे ये हक नहीं मिलता कि तू ये डिसाइड करे कि उसे अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। और तृप्ति, आई एम वेरी सॉरी कि तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। बेटा, हमारा ये जो समाज है ना, कुछ ऐसा ही है। यहां पर गलत भी लड़कियों के साथ होता है और गलती भी लड़कियों की ही मानी जाती है। हजारों लोग यहां पर बैठे हैं,
लड़कियों को गलत ठहराने के लिए, पर तुम उनकी बिल्कुल मत सुनना। जस्ट इग्नोर देम और अपने पे पूरा भरोसा रखकर आगे बढ़ती रहना। और ये लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होती। ध्रुव जैसे लड़कों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उन्हें सबक नहीं सिखाया तो वो अपने मर्द होने का फायदा उठाते रहेंगे। उनकी कंप्लेंट करो और कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं भी, I'm sorry।